आपको बता दें कि बरसात की शुरुआत में ही पौड़ी की सड़कों पर जलभराव शुरू हो गया है। वहीं शहर में जल निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण बरसात के मौसम में नालों का पानी पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और शहर की अन्य सड़कों पर बह रहा है, जिसके कारण इन दिनों सड़कें पानी से लबालब है और जल निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण नालों से गिरता पानी कई लोगों के घरों में घुस जाता है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही जल भराव के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि जल निकासी की समस्या के साथ ही नालों के चोक होने से जल भराव की समस्या बढ़ रही है। सड़क पर नालों के आसपास वाहन खड़े होने के कारण पानी नालों में ना बहकर सड़कों पर बह रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिनों में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बुच्छेती की रिपोर्ट। जल भराव अभी बरसात मतलब एक किस्म से लगा लो तुम कि शुरुआती दौर है, और वास्तविक आपका जो कहना है बिल्कुल सही बात है। मैं कल वहाँ ऊपर गई थी धीम पार्क में, यहाँ कंडोले के सामने एक धीम पार्क बना हुआ है और उसके बगल में एक गड्ढा बना हुआ है, लेकिन मैंने उस गड्ढे की मिट्टी भी मैंने कल फेसबुक में भी डाला था, वो गड्ढा इतनी मिट्टी निकाल रखी है वहाँ से और वो गड्ढा बिल्कुल खुला छोड़ रखा है। वहाँ पर अगर किसी भी बच्चे का अगर पैर फिसल गया, किसी जनमानस का पैर फिसल गया और उस गड्ढे में अगर डूब गया तो यहाँ तक कि जब वो उसमें गड्ढे में जाएगा तो चलेगा। वास्तव में इस गड्ढे के अंदर इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये बहुत अफसोस वाली बात है। वास्तविक सही बात है कि शासन प्रशासन का आज लाखों रुपए आते हैं ये जल भराव के लिए, लेकिन इस आज दिन तक भी हमें पता नहीं है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। और इसमें जो है शासन प्रशासन को वास्तव में संज्ञान लेना चाहिए कि जो है सरकारी पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग नहीं हो और जमीनी हकीकत वास्तव में उजागर होनी चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है, उसमें जो दिक्कत है वो नाली की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पर नाली है, उसमें जो है गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती है, उसमें टायर रख दिए जाते हैं जिससे कि पानी जो है नाली में ना बहकर रोड पर बहने लगता है, जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। कुछ पौड़ी वाले जो अर्बन एरिया हैं वहाँ पे ड्रेनेज वगैरह की प्रॉब्लम के कारण कुछ पैचेस वगैरह हुए हैं, उसको भी 3-4 दिन में वहाँ पे भी बीसी का ग्रामीणीकरण करा के उसको भी खत्म करा दिया जाएगा।